आसमानों पे जो खुदा है उस मेरी। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? फिर से उम्मीद करता हूँ अच्छे फ्रेंड्स। मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूं आपसे अपने YouTube चैनल ऑसम ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा फ्रेंड्स, इस टाइप के स्टेटस एडिटिंग अगर आप भी करना चाहते हो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जो भी टूल्स यूज किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सबसे पहले आप उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एडिटिंग में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, इस एडिटिंग में मैंने यूज किया लाइट मोशन का 3.6 का वर्जन, तो अगर आपके पास नहीं है तो उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि जैसे ही एडिटिंग में आपको बताऊँ उस टाइप से आपको वहाँ पर फीचर मिल जाए, आप इजिली उसे डाउनलोड एडिट कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। सो एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे भी दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो का ट्यूटोरियल मैं लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलेंगे अपने फोन के स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। फ्रेंड्स, इसे ओपन करने के बाद यहाँ जो प्लस के नीचे में आप देख रहे पा रहे हैं, तो इस पर आपको सिंपली टैप कर लेना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे टैप करने के बाद आपकी इमेज जिस भी रेशियो की होगी उसे सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे 4.5 वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। रेजोल्यूशन 1080 रखिएगा, फ्रेम रेट 30 FPS और ब्लैक स्क्रीन के साथ क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है। ऑप्शन से यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करके आप अपने फाइल में जा सकते हैं और यहाँ से आप स्क्रॉल करके भी अपनी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी इमेज होगी उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी इमेज यहीं पर, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये वाली इमेज मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप इसलिए उसे वहाँ से ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये यहाँ पर ले लेने के बाद 3 डॉट पर आप क्लिक कीजिएगा और फिल स्क्रीन पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप अपनी इमेज सेलेक्ट करते हैं तो आपको उसे एडजस्ट कर लेना, जैसे मैं इस वाली इमेज को यहाँ पर एडजस्ट कर लूँ। तो फ्रेंड्स, इसे थोड़ा और हम जूम करेंगे। जूम करने के लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चलेंगे और ये 3 नंबर पर जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पर, और इसे इस तरह से स्क्रॉल कीजिएगा इस साइड में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जूम हो जाता है। फिर इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर भी जैसे आप रखना चाहें उस तरह से आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ स्क्रीन पर टैप कीजिएगा, एक कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दे देगा। यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए और फ्रेंड्स, जो भी ऑडियो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस भी साउंड पे आप स्टेटस बनाना चाहते हैं उस साउंड को सिंपली यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो उसके लिए ऑडियो में चलेंगे और फ्रेंड्स, जो भी साउंड आपकी होगी उसे ले लीजिएगा। जैसे मैंने ये वाली साउंड को यहाँ पे ले लिया, अभी आपको स्क्रीन पे टैप कर लेना है और फ्रेंड्स, यहाँ से इमेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद ये वाला जो एरो देख रहा है इसे आप 2 बार प्रेस कीजिएगा, एक बार किया और दूसरी बार किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज पूरा का पूरा आ चुका है ऑडियो के लास्ट में, जितना टाइम का आप ऑडियो यूज़ किए होंगे उतना टाइम पर आ जाएगा। एक बार इस वाले बटन को प्रेस कर दीजिएगा तो देख सकते हैं इमेज भी हमारी आ चुकी है लास्ट तक, ठीक है। अभी आप स्टार्टिंग में जाइए, स्टार्टिंग में फ्रेंड्स इसे चलाकर एक बार आपको देख लेना है क्या लाइडिकल से आपका और कहाँ पर खत्म हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसे आपको देख लेना है। तो चलिए मैं इसे एक बार प्रेस करता हूँ यहाँ पर प्ले बटन को, तो यहाँ पे आसमानों पे जो खुदा है, तो आप 2 लाइन में भी इसे लिख सकते हैं जैसे आसमानों पे, या फिर आप 1 लाइन में भी लिख सकते हैं आसमानों पे जैसे खुदा है। तो इस टाइप की आप स्टेटस यहाँ पे लिख लीजिएगा आपका जो भी हो। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे आसमानों पे, ठीक है। मैं एक ही लाइन में दे रहा हूँ आसमानों पे, बट इसे आप 2 लाइन में भी दे सकते हैं। मैं आगे आपको करके दिखा दूंगा 2 लाइन में भी, ठीक है। तो अभी 1 लाइन में मैं इसे दे दिया हूँ, तो यहाँ पे ए लाइन वाला जो ऑप्शन है इस पर प्रेस कीजिएगा, सेंटर में जाएगा। इसके बाद रोबोटो रेगुलर पर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स, जो भी फॉन्ट आप इस एडिटिंग में यूज करना चाहते हैं उस फॉन्ट को ले लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो चलिए, इसे लेने के बाद यहाँ पे इसका कलर हम ब्लैक कर देंगे, तो कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसे ब्लैक कर दिया मैं। आप देख सकते हैं इसका 18 PT है, तो इसे बढ़ाकर आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो मैं इसे यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, तो इतना ही मैं रहने देता हूँ, ठीक है। अभी आपको यहाँ से राइट क्लिक कर देना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड्स, बॉर्डर एंड शैडो का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे इस शैडो वाले को ओपन कर दीजिएगा। ये देख सकते हैं शैडो वाले को मैंने ओपन कर दिया। इसे बढ़ाना घटाना कुछ नहीं, जितना है उतना ही रहने दीजिए। इतना था, कितना 8 पर था शायद, मैंने देखा नहीं ध्यान से, तो जो भी है उसे रहने दीजिएगा। रहने देने के बाद फ्रेंड्स, ऊपर बॉर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, एड बॉर्डर के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे देख सकते हो बॉर्डर लग चुका है। अब इसका साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं, कितना साइज आपको देना है। तो हल्का सा हम बॉर्डर रहने देते हैं, जिससे इस तरह का इफेक्ट आपको मिल जाएगा, काफ़ी अमेजिंग इफेक्ट लगता है देखने में। तो फ्रेंड्स, इसे आप चलाकर देख लेते हैं कि ये खत्म कहाँ पे हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं यहीं पे खत्म हो रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जो एक्स्ट्रा बच गया इस वाले बटन पे प्रेस कर देंगे, तो ये देख सकते हैं कट जाएगा एक्स्ट्रा, जो भी पार्ट होगा यहाँ से कट जाएगा। अभी हम इसमें इफेक्ट देंगे, तो फ्रेंड्स इफेक्ट देने के लिए और इस टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने बाद इफेक्ट वाला सेशन जो यहाँ पे खुल करा जाएगा, ये वाला देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने बाद एड इफेक्ट में जाइएगा और फ्रेंड्स यहाँ 3D वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। 3D के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्लिप लेयर वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए, कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
अभी आपको इसके स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आने के बाद एक बार एंगल वाले को ये एंगल देख सकते हैं, ये चूज किया हुआ है, आपको किसी को टच नहीं करना है, सिंपली इसी पर आने देना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, इसके लास्ट में आना है। लास्ट में आने के बाद हल्का सा आगे की तरफ स्क्रॉल कर लीजिएगा, यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट वाले जो डॉट हम लगाए थे उस पर आ जाएगा और माइनस में इसे 90 डिग्री कर लीजिएगा, मतलब 90 डिग्री पर आपको इसे कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसे लेकर आ गया हूँ, ये 90 डिग्री पर। ठीक है, ये रहा थोड़ा सा, हाँ ये देख सकते हैं 90 डिग्री पे मैंने इसे कर दिया। अभी आपको आगे की तरफ स्क्रॉल करना है, मतलब दोनों की के बीच में आप रख सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन देख सकते हैं इस पर आपको टैप कर लेना। टैप करने के बाद फ्रेंड्स इस साइड में ये सेकंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से सेकंड वाला ऑप्शन इस साइड में जो दिख रहा है इस पर आपको टैप कर देना। टैप करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, तो अभी आपको इसे नीचे की तरफ कर देना है। आप जितना इसे नीचे करेंगे उसका इफेक्ट उसी अकॉर्डिंग मिलेगा, तो आप अपना वहाँ पे भी देख सकते हो। और मैं इसे इस तरह से कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे जितना नीचे आप कीजिएगा इस तरह से सेक करेगा, मतलब आप यहाँ पे जो टेक्स्ट यहाँ पे देंगे तो इस तरह से सेक करेगा, देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे। तो आप जितना भी देंगे, जैसे मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ तो बहुत सेक करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे अकॉर्डिंग अपने रख सकते हैं जैसे भी रखना चाहे। जैसे मैं इसे प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसे प्ले करके आपको दिखा दिया आसमानों पे जो खुदा है, तो इस टाइप से इसे आपको ले लेना है। तो इसे आप मतलब अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, मैं यहाँ पे इसे एडजस्ट कर देता हूँ, मैंने ज़्यादा ही कर दिया तो इसे थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, जैसे ये हल्का सा सेक दे यहाँ पे, ये इतना रहने देता हूँ। ठीक है, इतना पढ़ाने देता हूँ। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। अभी आपको ये फर्स्ट वाला लेरिकस कंप्लीट हो चुका है, इसी के अकॉर्डिंग सभी को कर लेना है। तो सबसे पहले इस टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और इफेक्ट में सॉरी टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ जो ये डबल लेयर्स वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कॉपी लेयर कर लीजिए, इसके बाद इस लेयर के लास्ट में आ जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, और फिर से इस पर क्लिक करना है, पेस्ट लेयर कर देना। सेकंड वाला लाइन जो हमारा पेस्ट हो चुका है, सिंपली इसे प्ले करके हम देख लेते हैं कि लाइट कल्स क्या था। इसमें है जो खुदा है, मतलब आसमानों पे जो खुदा है, तो फर्स्ट वाला था आसमानों पे, तो सेकंड वाले में यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे सेकंड वाला लाइन जो भी होगा आपका उसे कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट और सेकंड लाइन तो मैंने छोटा छोटा दे दिया था, तो इसे यहाँ पर राइट क्लिक कर देते हैं और इसे मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है। तो ये वाला लाइन जो है यहाँ तक आया, तो फ्रेंड्स इस वाले पे क्लिक कीजिए। क्लिक करना ये घड़ी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस वाले पर क्लिक कर दीजिएगा, ये लास्ट तक आ गया। तो फ्रेंड्स ये दोनों जो था एक एक लाइन में था, मतलब आधा आधा लाइन करके मैंने एक एक लाइन पूरा किया था, बट यहाँ से मैं आपको एक पूरा लाइन टाइप करके दिखा देता हूँ किस टाइप से आपको यहाँ पर कर लेना है। आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, तो यहाँ पे सेकंड वाला लाइन है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस पर क्लिक करिए, डबल लेयर्स वाले पे पेस्ट लेयर कर दीजिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ उस पर क्लिक करके एडिट टेक्स्ट कर लेना है और फ्रेंड्स यहाँ पे जो टाइप किया है उसे आपको मिटा देना है। तो फ्रेंड्स सेकंड वाले लाइन जो है उसे हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे, उससे मेरी यही दुआ है। तो फ्रेंड्स ये सेकंड वाली लाइन जो है मैंने इसे टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आगे की तरफ स्क्रॉल कर लीजिएगा और देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक दो लाइन में आ चुका है। फ्रेंड्स इसे आप एडजस्ट कर लीजिए, जैसे यहाँ पे इसे एडिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे साइज है, तो अगर ज़्यादा बड़ा हो तो इसे छोटा कर लीजिएगा इस तरह से स्क्रॉल करके। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये अलाइन तो है पहले से ही, तो ये पहले से ही सिलेक्ट है, इसे देख सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली यहाँ पे, अब इसे एक बार चलाकर देख लेना है सिंपली आपको कि ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो वहाँ तक इसे आपको कर लेना है। तो सिंपली हम इसे प्ले करके एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये सेकंड वाला लाइन जो यहाँ तक आ रहा है आप देख सकते हैं, तो इसे हम क्या करेंगे ये घड़ी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ये लास्ट तक यहाँ तक आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है और कंप्लीट करने के बाद आप स्टार्टिंग में आ जाएगा। और फ्रेंड्स स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इमेज एंड वीडियो में जाना है, यहाँ पर जाने के बाद व्यू ऑल पे क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ डाउनलोड में आपको चले जाना है। फ्रेंड्स डाउनलोड में मैंने एक पार्टिकल का वीडियो दिया, व्हाइट पार्टिकल का, तो उसे आप ले लीजिएगा। तो सिंपली चलिए मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है, थोड़ा नीचे चला गया होगा। तो फ्रेंड्स ये वाला देख सकते हैं, इसे आप यहाँ पे ले लीजिएगा, प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आ जाएगा थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे फिल स्क्रीन कर लीजिएगा। फिल स्क्रीन करने के बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले पे क्लिक कीजिएगा, लाइट इन में जाएगा और यहाँ पे इसे स्क्रीन कर दीजिएगा। अभी आप इसे प्ले करके देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जो ऊपर से आप देख सकते हैं। अभी इसे आपको कर लेना है लास्ट तक, कहाँ तक ये वाला जो लिया है, तो जितना टाइम का आप स्टेटस बनाएंगे, मतलब जैसे 29 सेकंड का हम बनाते हैं, मिनिमम 30 सेकंड तक का हम बनाते हैं, तो यहाँ पे ले लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा होगा उस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे क्लिक करके उसे कट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरह से कट हो जाएगा, तो पूरा यहाँ पे इस तरह से बराबर कर लीजिएगा, लाइट कल से आपको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इस तरह से आपकी स्टेटस बनकर तैयार हो जाएगी। सिंपली इसे एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर एडो पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा और फ्रेंड्स ये आपके फोन में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले किसी भी ट्यूटोरियल को मिस न करें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।